अभी आप लोगों ने काफी बातें सुनी, चूड़ी पहना रही थी, कहाँ गए मामू, आओ। सियासी भेड़ियों के जब कहीं लश्कर निकलते हैं, सियासी भेड़ियों के जब कहीं लश्कर निकलते हैं, क्या बात है भेड़िए, तो शरीफ लोग ऐसे लोगों से बचकर निकलते हैं, निकलते हैं महानगरों के हर चौराहे पर, या यूं कह दूं कि इनकी पार्टी के हर एक साजिंदे को गौर से देखो तो हर इंसान के अंदर कई दफ्तर निकलते हैं। मतलब समझेगी नहीं, उजाला जी कुछ बोल रही, मोटा क्या कह रहा है कि चूड़ी मजा न देगी, बहुत फेंक रही थी, दो दो तीन तीन दर्जन लाके अपनी औरत को दिए, भाभी तुम भी ले लो दो ठो, तुम भी ले लो, के चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न शेर का जवाब सुनिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, कहना है कि बड़ा आस है आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, और पढ़ा लिखा ये शख्स गधा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आप घुसे हैं किसी के घर में अपना दिल बहलाने को, आपके घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल आपके घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है, पर तेरी अम्मा को समझाना मेरे बस की बात नहीं, तेरी अम्मा को समझाना मेरे बस की बात नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं, तू मर जाए प्यार में मेरे ये तो तेरी बात रही, काले धन पर जान लुटाना मेरे बस की बात नहीं, दिन पे दिन दोनों लटके देखा, अच्छा लगे तो यार एक बार साजिंदों के लिए तालियां बजा दो, बहुत मेहनत है यार, हम लोग केवल आपके मनोरंजन के लिए हैं, ये बात सही, ये लो फिर वही नाम आया, कितना आशीष मिजाज है बच्चा, कहना है तुमने बहुत अच्छे शेर पे पैसे दिए इसीलिए सुना रहे तुमको, कितना आशिक मिजाज है बच्चा, इतनी ऊंची उड़ान रखता है, कितना आशिक मिजाज है बच्चा, इतनी ऊंची उड़ान रखता है, दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं पर हसीनों पे ध्यान रखता है, कहना है कि सर से बड़े अंदाज से सरका के दुपट्टा, क्या बात है, और करती है इशारे मुझे लहरा के दुपट्टा, और कल ही दिया था मैंने इसे ला के दुपट्टा, आज देखो चली आई है फड़वा के दुपट्टा, दिन पे दिन दोनों लड़के वहां टूटी कॉम्प्रोमाइज करो, बराबर कर लो, बराबर करेंगे फावड़ा लेके, के बाहा टूटी फटी बनियान लिए फिरता हूं, डूब मरने का ये सामान लिए फिरता हूं, कहना है बाहा टूटी फटा बनियान लिए फिरता हूं, डूब मरने का ये सामान लिए फिरता हूं, फिरता हूं, इसलिए कूट दिया मुझको तेरे अब्बा ने, तेरी तस्वीर मेरी जान लिए फिरता हूं, और जाके कह देना बुढ़े से के होशियार रहे,
ठोक देने का मैं सामान लिए फिरता हूँ। जिसके चक्कर में पिटा उसको अभी ख्वाबों में कभी लंदन कभी जापान लिए फिरता हूँ। तेरी अब्बा को मैंने प्यार से पिलाया हुक्का तेरी अम्मा के लिए पान लिए फिरता हूँ। लेकिन मोबाइल पकड़े ना कि जब से ये मोबाइल चला है जीना हुआ हराम। के जब से ये मोबाइल हेलो जी कहाँ हैं आप अभी आते अरे यही हमीरपुर में हूँ मैं तो वेट कर रहे हैं वेट। अच्छा ये कब तक आएंगे आप? करीब 10 मिनट लगेगा। झंडू बाम बोल रहे थे के जब से ये मोबाइल चला है जीना हुआ हराम। सर का दर्द बना मोबाइल जीवन झंडू बाम बच्चे नंगे भूखे बच्चे रो रहे हैं नंगे भूखे हैं के बच्चे नंगे भूखे अम्मा लगी हुई मोबाइल माँ क्या बात है डाल रही फेसबुक पर फोटो नई नई स्टाइल माँ। लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए यही बचा अब काम। जब से ये मोबाइल चला है जीवन झंडू। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगा एक छोटा सा आपके लिए आइटम पेश कर रहा हूं सुनिएगा। अगर हो प्यार दौलत से देखो मैं कुछ बाबाओं की बात कर रहा हूं। एक दौर वो था कि हिंदुस्तान में बाबाओं को बहुत आदर्श और गुरु माना जाता था। आज पूरा हमारा देश बाबाओं से परेशान है। जो बाबा जेल में उनके लिए मैं कुछ कह रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हो प्यार दौलत से तो अपना दाम लिख देना मोहब्बत करने वालों में हमारा नाम लिख देना। उसे बहशी दरिंदा और तुम अय्याश मत लिखना। अगर लिखना पड़े ये सब तो आशाराम लिख देना। अगर लिखना पड़े ये देखो फिर आशीष सोनकर और बबलू विश्वकर्मा की जानिब से बबलू भैया विश्वकर्मा बहुत बहुत शुक्रिया। और बबलू भैया आदमी पर मारता है आज पत्थर आदमी सच्चाई है आदमी पर मारता है आज पत्थर आदमी। स्कूल में हमने पढ़ा था कल था बंदर आदमी बेच रहा भगवान की वो मूरतें फुटपाथ पर फंस गए भगवान भी खुद ही बनाकर आदमी। और उजाला जी ज्यादा वक्त नहीं ये गाना सुनिए कि आंखों में मेरे बस के आंखों में बस के दिल में समाकर चले गए जैसे वो मुझको मुझसे चुरा कर चले गए। आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते एक आग दिल में और लगाकर चले गए और कहा क्या के देख के तोरे रस भरे जुबना मन मलगी आगी ही। हम किसके किसके भाई हैं? भाई किसके एक बार हाथ उठाओ मैं किसका किसका भाई हूं। अभी देखा था आप लोगों ने आपकी भौजाई कह रही थी ताली बजाओ ताली तो अब बजाइएगा जब मैं बोलूं। देख के तोरे रस भर जुबला मन में लगी आगी देख के तोरे
भौजी फांसी के ना पास देखा, इनको भी बुढ़ापे में जवानी सवार है। दीर्वेंद्र उर्फ चच्चू की जानिब से 100 रुपए। कहना है कि चच्चा है पुराने पुराना खाए हुए हैं। क्या बात है, चच्चा सुनिएगा। चच्चा है पुराने पुराना खाए हुए हैं और ये दिल अपना कहीं पर अटकाए हुए हैं। आजकल की हसीनाओं से इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पहले से 3 चच्ची फंसाए हुए हैं। चच्चा, आपने फांसने के ऊपर दिया था ना 100 रुपया, अब आप जाओ नहीं, हमें मालूम है आपको शर्म आ रही, लंडों के बीच में बैठो, जवानी महसूस करो। ये बात बैठे भी दो चच्चा एक पास। राह मा तू निकले गोरी जिया लल चातबा, राह मा तू निकले भेजेंगे इनको दुल्हन बनाई के। ले आ गई दुल्हनिया, ले आ गई, लेके चलो, आ गई, चलेंगी आप हमें लेके। अबे रो तो रोए और का। अबे बच्चों वाली आवाज निकल रही है। राह मा निकले गोरी जिया लली छातबा, राह जल होठों पे लाली मन में लगी आगी, लेकिन सुनिए, अखियों माँ का अजल होठों पे लाली मन में लगी आगी, भौजी फांसी के ना पास। असलम भाई हुसैनी कमेटी, असलम भाई, रज्जब भैया, आशीष सोने कर, बबलू विश्वकर्मा की जानिब से आए हैं 100 रुपए। ये भी सब मिलजुल कर कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं, आँखियों में काजल होठों पे लाली मन में लगी आगी, भैया जी
किसी के ना पा हमसे जैसा बोला गया था कि बेटा 1 लाख मजार से अगर 40 कदम की दूरी पे होते तो अच्छा था। थोड़ा साहिबे मजार का ख्याल रख के गाइएगा क्योंकि आज की रात की भी अहमियत समझिएगा कि आज की रात है ही क्या। इस बात को जहन में रखना बेटा 1 लाख, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे 1 लाख वारसी लगा हुआ है और मुझे पता है कि तुम नमाज वमाज भी पढ़ो। तुमने जी कहेंगे थोड़ा ख्याल रखिएगा माँ बहनों के लिए। हमने बिल्कुल भाई, लेकिन सुनिए आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। कहना है सच्चाई जो थी उसको छुपाने में पिटा मैं, अगर अच्छा लगे तो तालियां। सच्चाई जो थी उसको छुपाने में पिटा मैं, चालाकों से चालाकी दिखाने में पिटा मैं। मैंने जो पुलिस वालों का हिस्सा ना निकाला बस इसी बात से दिन रात थाने में पिटा मैं, बस इसी बात से दिन रात थाने में पिटा मैं। लेकिन एक शेर बड़ा अच्छा है, ये उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, क्योंकि इसे हिंदी से क्या मतलब, इसे उर्दू से क्या मतलब, ये हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। और इसे खिलाऊं मैं बिरयानी हिंदी और उर्दू की, ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या बात है। एक बार और, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर सुनिए। रतिया कटत है ना ही जवानी अब बोझबा, दिन रात बैठे बैठे हमको यही सोचबा। फांसी के ना पासे।